शिवालिक कैब्रिज स्कूल में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों ने आगरा पुलिस कप्तान से मदद की गुहार लगाई है। छात्र के परिजनों का कहना है कि स्कूल में ही पढ़ने वाले दूसरे छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर उनके बेटे पर कातिलाना हमला किया है। हमले में उनके बेटे के गंभीर चोटें आई हैं और फ्रैक्चर भी हुए हैं, लेकिन इसके बाद भी थाना पुलिस गंभीर नहीं है और ना ही आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रही है। थाना जगदीशपुरा इलाके के शिवालिक कैम्ब्रिज स्कूल के कक्षा 12 के छात्र हर्ष के परिजनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर पुलिस कप्तान से मदद की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि 4 मार्च को उनके बेटे हर्ष पर स्कूल में ही पढ़ने वाले दूसरे छात्र ने कातिलाना हमला किया। इस हमले में आरोपी के साथ कई अन्य लोग भी शामिल थे। इस हमले में उनके बेटे हर्ष को गंभीर चोटें आई हैं और कई फ्रैक्चर हुए हैं। हर्ष राष्ट्रीय स्तर का कबड्डी खिलाड़ी है। इसके बाद भी थाना जगदीशपुरा पुलिस ने मामूली धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश की है। वहीं हर्ष के परिजन चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो। 4 तारीख को मैं अपनी फेयरवेल में जा रहा था स्कूल में, तब सुबह मैं अपने वहाँ पे स्कूल से गली पहले मैं गाड़ी से रुका था, उतरा था, तो मेरे को 10-12 लड़कों ने घेरा। पहले मेरे पे फायर करा तो फायर मिस हुआ, फिर उन्होंने डंडा चलाया तो मैं वहाँ से भागा हूँ। मेरे पीछे भागे वो लोग, 10-12 लोग थे, बेसबॉल के बैट से, आयरन शॉक और रॉड से मुझे मारा है और सर पे मारा है और 2-3 बैट मेरे हाथ पे तोड़ दिए। जब हम पुलिस के पास पहुँचे, पुलिस ने एप्रोप्रिएट धाराएं लगाई हैं, जिस हिसाब से मतलब उन्होंने मारा उस हिसाब से एप्रोप्रिएट धाराएं लगाई हैं और ढंग से अभी तक कुछ भी कार्रवाई नहीं करी है, ना किसी को अरेस्ट किया है, जबकि पूरी एप्रोप्रिएट उनको इन्फॉर्मेशन दे दी है, जितने इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी उतनी दे दी गई है, फिर भी उसके बाद कोई भी उन्होंने एप्रोप्रिएट काम नहीं किया। मेरे दोनों हाथों में चोटें, मेरे पैर में भी थोड़ी बहुत चोट लगी हुई है, मेजर चोट मेरे सर में है, सर में मेरे आयरन की शॉकर रॉड थी कार की वो पंप पड़ी है और मेरी तीन जगह से बोन टूटी है यहाँ की। अभी सिटी स्कैन भी होना है, मेरे वहाँ से एडवाइस किया गया है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से। 12th का विद्यार्थी है शिवालिक स्कूल में, विद्यालय छात्र खगेन द्वारा उससे आपसी रंजिश मानते हुए उसके दुर्घटना को अंजाम दिया गया है। 4 मार्च को मेरा बच्चा जो है वो फेयरवेल पार्टी में जा रहा था, उसको गाड़ी से रोक करके और खींच के उसे पहले फायर किया गया, बेटे ने दौड़ लगाई और अन्य बाहरी लड़कों ने जो लगभग 12-14 संख्या में थे घेर कर बेसबॉल डंडों से रोडों से सरियों से प्रहार किया, ये जो गंभीर चोटें हैं। क्षेत्रीय थाने में तहरीर दे करके FIR कराई गई। मेरी मांग ये है कि मेरे के बेटे के साथ न्याय किया जाए और उसके साथ जो धारा बनती हैं, जो धारा उचित हैं, वो धारा आगे गिरफ्तार की जाए और उन्हें न्याय दिलाया जाए। देखिए ऐसा है, जैसा कि पीड़ित पक्ष ने बताया, इनके बेटे के साथ बुरी तरह मारपीट की गई है, राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी है, पुलिस कानून का मजाक बना रही है। थाना जगदीशपुरा पुलिस ने जैसा कि इन्होंने बताया शायद 41 का नोटिस भरवा के और ये हवाला देते हुए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 7 साल से कम के अपराधों में गिरफ्तारी नहीं है, इसीलिए इस कारण शायद उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं की है, परंतु ऐसा नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ये नहीं कहा कि हमलावरों को खुला छोड़ दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने यदि ये कहा है कि 7 साल से कम के अपराधों में गिरफ्तारी नहीं है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि यदि आवश्यक हो और अपराध गंभीर प्रकृति का हो तो गिरफ्तारी आवश्यक है। तो यहाँ पर हम इन लोगों के परिवार की तरफ से युवा अधिवक्ता संघ आज यही मांग कर रहा है कि गिरफ्तारी की जाए और सुनिश्चित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत की जाए। सुसंगत धाराओं में मुकदमा लिखा हुआ है, लेकिन जो धाराओं की बढ़ोतरी होनी है, तहरीर बदलवाई गई है थाने में, तो इस बच्चे के साथ न्याय होना चाहिए जो कि एक देश की प्रतिभा है। उसके सम्मान में आज युवा अधिवक्ता संघ न्याय के लिए यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ खड़ा हुआ है। डीजी महाराजा न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।